फ्रेंड्स, वीडियो में हम जो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यह जो है ब्रीदिंग के चैप्टर का जो हमने पढ़ा हुआ है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद जब हम जो है कि क्वेश्चंस को खत्म करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। तो इसलिए जो है चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर वन जो है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ये तीनों स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है अर्थवर्म जो होता है वो किस तरह से रेस्पिरेशन करता है। तो हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो जो अर्थवर्म है उसमें जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो होता है इसमें जो है ये जो अर्थवर्म होता है उसके मॉइस्ट क्यूटिकल उसका जो स्किन होता है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और बी जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनमें गिल्स पाई जाती है रेस्पिरेशन के लिए। और मोलस्क में जो होती है मोलस्क में भी गिल्स पाई जाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में लंग्स पाए जाते हैं और इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो जब हम जो है मैचिंग करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर टू जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस रिड्यूसेस बाय, लंग की सरफेस से फ्रिक्शन ना हो या फिर फ्रिक्शन जो होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन वन है डबल लेयर प्लूरा, ऑप्शन टू है सिंगल लेयर प्लूरा, ऑप्शन थर्ड रिब्स कवरिंग लंग और चौथा है डायफ्राम। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन वन ये करेक्ट हो जाएगा, डबल लेयर्ड प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्शन ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का साउंड बॉक्स किसको कहते हैं। ऑप्शन वन है लैरिंग्स, ऑप्शन टू है ट्रैकिया, ऑप्शन थ्री है नेजोफेरिंग्स, ऑप्शन फोर है ग्लॉटिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वेलाई ऑफ द लंग आर लाइंड बाई, लंग की जो एल्वेलाई होती है वो किसके द्वारा लाइंड होती है। पहला ऑप्शन है सिंपल एपिथेलियम, ऑप्शन टू है स्क्वेमस एपिथेलियम, ऑप्शन थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन फोर है सिलेटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच डिस्प्ले द फीचर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन वन है डबल लेयर्ड होता है, ये जो है कोई ऑर्गन है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएगा और इन कैरेक्टरिस्टिक को समझ के हमें बताना है कि वो कौन से ऑर्गन की बात हो रही है। पहला है डबल लेयर, दूसरा है फ्लूइड कंटेनिंग इन इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, तीसरा है इट्स आउटर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ थोरेसिक वॉल, चौथा है इट्स इनर लेयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ लंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो सारे कैरेक्टर बता रहे हैं ये जो है प्लूरा के कैरेक्टर हैं जो कि लंग की कवरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नोजोफेरिंग्स, नोजोफेरिंग्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन वन है इंटरनल नॉस्ट्री ओपन इन टू नोजोफेरिंग्स, ऑप्शन टू है इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर एयर ओनली, ऑप्शन थर्ड है इट इज ए पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ऑप्शन फोर है नोजोफेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। यहाँ पे जो है ऑप्शन टू ये करेक्ट हो जाए, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर
only. Next question है, larynx is present in between. Larynx जो होता है वो present होता है कहाँ पे? ऑप्शन वन है epiglottis and glottis, trachea and bronchiole. थर्ड है epiglottis and trachea. ऑप्शन फोर है bronchus and epiglottis. तो लैरिंग जो होता है वो प्रेजेंट होता है epiglottis और trachea के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पोसेसेस द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंगली. पहला है फाउंड इन मैमल, मैमल में पाया जाता है. दूसरा है हाईली मस्कुलर फाइब्रस पार्टीशन एलिवेटेड टुवर्ड्स द थोरेक्स लाइक ए डोम. तीसरा है सेपरेट्स थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी. तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स ये डायफ्राम के बारे में बातें कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम. एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम में क्या चेंजेज आते हैं? ऑप्शन वन है नॉर्मल, ऑप्शन टू है फ्लैटेंड, ऑप्शन थर्ड है डोम शेप्ड, ऑप्शन फोर है ऑब्लिक. तो एक्सपायरेशन के दौरान जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप्ड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द एयर इन द नेजल कैविटी गेट वार्म. नेजल कैविटी में जो एयर होती है वो क्यों वार्म हो जाती है? ऑप्शन वन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनी हेयर प्रेजेंट इन नेजल कैविटी. दूसरा है बिकॉज द नेजल कैविटी हैज़ वेरी गुड ब्लड सप्लाई. तीसरा है बिकॉज द नेजल कैविटी हैज़ म्यूकस मेम्ब्रेन. चौथा है ऑल ऑफ द एबव. ऑप्शन टू करेक्ट हो जाए बिकॉज द नेजल कैविटी हैज़ वेरी गुड ब्लड सप्लाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन ह्यूमन इज. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल वॉल्यूम इज. टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन वन है वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड. ऑप्शन टू है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पिरेशन. तीसरा है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन. ऑप्शन फोर है रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन. यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द एयर स्पायर्ड और एक्सपायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 डेड स्पेस वॉल्यूम ऑफ द एयर इन ह्यूमन लंग इज. तो वो जो होता है 150 ml होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है. तो टोटल एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन. दूसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन लंग आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन. और वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा. ए स्पायरोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर. स्पायरोमीटर से क्या मेजर नहीं किया जा सकता? तो ये जो है रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा. रिजर्व वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता.
Next question is, the ventilation movement of the lung in mammal is governed by 1. Hai diaphragm, option 2. Hai intercostal muscle, option 3. Hai both 1 and 2. यहाँ पे option 3 का correct हो जाएगा, both 1 and 2. Movement of air into and out of the lung is carried out by the process. Option 1 है imbibition, option 2 है pressure gradient, option 3 है osmosis, option 4 है diffusion. तो यहाँ पे जो है friends answer हो जाएगा pressure gradient. Which structure, next question है, which structure of the lung is directly involved in O2 CO2 exchange between the air and the blood capillary. तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा alveoli. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 जो है ब्लड एंड टिश्यू ये बेस्ड होता है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे. Okay, thank you.